जबलपुर में नाकाबंदी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2,27,000 रुपए नकदी बरामद की गई है। अलग अलग दो गाड़ियों से जो है संतोषजनक जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, जिन्हें जब्त किया गया है। गाड़ियों से किए गए हैं जब्त अलग अलग, आपको बता दें रुपए और नकदी बरामद हुई है। इसके अलावा संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर जब्त किए गए। विधानसभा चुनाव को लेकर ये चेकिंग की जा रही थी। अवैध गतिविधियों पर पुलिस लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। निर्वाचन विभाग की टीम और पुलिस ने मिलकर ये बड़ी कार्रवाई की है। मानिया थाना इलाके के बरेठा चौकी पर ये कार्रवाई हुई, जहां पर धौलपुर में नाकाबंदी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 2,27,000 रुपए नकदी बरामद की गई है। अलग अलग गाड़ियों से ये बरामद की हुई है। इसके अलावा पूछताछ में जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तब इस नकदी को जब्त किया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की जो है चेकिंग अभियान वो जारी है। इसी कड़ी में चेकिंग अभियान के मद्देनजर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। धौलपुर में नाकेबंदी के दौरान आपको बताएं कि पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें 2,27,000 रुपए बरामद पुलिस ने किए हैं। अलग अलग दो गाड़ियों से नकदी जो है बरामद की गई है। संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। दरअसल आपको बताएं विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार चेकिंग हो रही है। अवैध गतिविधियों पर पुलिस जो है अपनी नजर बनाए हुए है। निर्वाचन विभाग की टीम और पुलिस ने ये कार्रवाई की है और ये पूरी कार्रवाई मानिया थाना इलाके के बैरेट में की गई है। तो धौलपुर से ये बड़ी जानकारी। राजस्थान के धौलपुर में आपको बताएं कि दरअसल विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में किसी भी तरीके से जो है प्रलोभन ना दिया जाए किसी को, इन तमाम बातों का खास ख्याल जो है चुनाव के दरमियान रखा जाता है। और इसी कड़ी में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, जिसकी तरफ से चेकिंग अभियान किया जा रहा है।